अरे लखिया बाबुल मोरे। भाई साहब थूक क्यों रहे हो? अरे गांव के दमान है इसलिए इस पर थूक रहा हूँ, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट थू मुंह पे थूकते हैं ये। हाँ पहचाना आजारी ये मुरारी। हाँ बोलोगी कुछ? भागो। इनको सोनिया गोली मत चलाना। अरे तू क्यों रिवर्स गियर लगा रहा है? जा भाग। सर सीनियर है आप। अरे तू तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, जा पकड़। अरे हजारी धीरे धीरे पूरे छींटे हमारे ऊपर आ रहे हैं। अरे यार छाता लेके क्यों नहीं आई? अरे पका दिया यार इस हवलदार ने। मैं भी पेशाब करूं? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पेशाब करना मना है। तो फिर कैसे पेशाब करिएगा? तुम दोनों तो मूत रहे हो। अरे हम अनपढ़ है हमारी छोड़ो। अरे तुम कुछ अच्छा, बोलोगी? अरे ये हजारी हम मुरारी हैं। हाँ मूतते रहो। पूरी टंकी खाली करके आना, उससे पहले जिप मत बंद करना। रहे ये जो भाई है ना ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। अगर रोल चाहिए तो तुम्हें उस लड़की को हीरोइन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रुप में काम करती थी। क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करना? साले शादी करी उसके बाद। भाई साहब नाम छोड़िए, आप बताइए कहाँ रहती है वो? वो जानने के लिए जल्दी बताइए, घर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर चलो चलो चलो। कैसे कैसे ये लाल डब्बा में क्यों? ओ यस जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? अरे वो तू भूल जाना, वहाँ जाके देख लेंगे ना, ढूंढेंगे ना। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे तू? जर्मनी खाली 7 घंटे का तो रास्ता है। 7 घंटे का रास्ता? ये पेट्रोल कितना भाव भरेगा? ये सब बारातियों को लेके जाएंगे हम लोग। अरे तो लड़की क्या हमें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए लड़की। इन हराम घरों को बोल मार निकले, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। सुन ले चलो जल्दी चलो। गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं? हाँ तो उतरो ना अभी, सब लोग उतरो। अरे लेकिन अपने जर्मनी जा रहे हैं। हाँ तो धक्का मारोगे तो जर्मनी जाएंगे ना। चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी आओ जल्दी। हाँ भाई खड़े मत रहे भाई, चलाओ जल्दी आओ। आराम से आराम से आराम से, प्लीज स्लो स्लो स्लो। ओके नाउ यू कैन गो। चलो चलो भाई धक्का मारो धक्का मारो। हाँ भाई आओ जोर से बोलो जर्मनी। मेरे को धक्का मत मार, गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। अबे परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं उसका, खून कर दूं मैं। और तेरे को मैंने मना किया था, इसको मैंने मना किया था। अबे ये कहां से आया? रोको रोको, अरे उनको भी साथ ले लो। अरे उनको भी जर्मनी देखने दो। अबे क्या टूरिस्ट बस है ये? हैं टूर करने निकले हम लोग, वर्ल्ड टूर। हाँ साले क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोगों को घुमाऊं? अबे गाड़ी रोक, उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ तू नहीं आए। अबे गाड़ी रोक, उतार इसको। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे जर्मनी जाना है। क्यों तेरे पिताजी की कब्र है वहाँ पे? साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। भाई हाथ में बहुत खुजली हो रही है। अरे तुम्हारा भाई जिंदा है ना तो पैसे की कोई चिंता मत करो। नहीं बिल्कुल भाई, मुझे भाई बोलते हो तो समझो प्रमोशन ढक 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 हो जाए। वो तो पक्का बोला। ये तू पकड़ना। थैंक यू भाई। अरे तुम पकड़। अब देखो तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा भाई को याद करो। पैसा चाहिए हो कुछ भी चाहिए हो छोटो चिंता मत करना। एक कप चाय ला। छुट्टा नहीं है? अरे ये तेरी टिप है, टिप ले। 1000 रुपया? टिप है चल। 1000 रुपया टिप? चाय के पैसे बाद में दूंगा चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ये
ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के तीन चार एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो फाइव स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता। बेटे आदत हो गई है, एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है ये। ओह सरक सरक उधर एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थू गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। ए चाय लाना मेरे भाई। ए भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना। ए साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बना दे। ए भाई अरे अरे तुझे जाने में कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। अरे भाई प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए कम से कम 70 चाय। शक्कर डालिए जी। ए जा 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 साहब के लिए मेरी वाली 10 चम्मच शक्कर ला। जा 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 ना भाई। भाई इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 बैठ, इतना उदास मत हो। मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है। 30 लाख? हाँ भाई मेरे पास तो 20 लाख है। शिट करो कुछ करो भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर। कहाँ है पैसे? बाजू में भाई, नकद कैश। अभी ला सकते हैं? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई मैं पैसे okay. आप बंगले पहुंचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुंचता हूं। जाओ 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 जाओ। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं भाई? इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा। मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा अमाउंट की बात। अरे बाबा बाबा तू जा। अच्छा भाई तू जा यार, तू जा, दिमाग खराब मत कर, माफ कर दो। आप मेरे गॉडफादर हो भाई। मैं किसी पर नहीं। अरे मैं पैसे लेके जा, जा अपने बच्चों को मिठाई खिला। जा तू, तेरे लिए 10 रुपए वाली स्कीम ही अच्छी है। तू जा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई, मैं आपके लिए लाता हूं ना भाई। ठीक है मैं अभी बंगले पर पहुंचता हूं। ओके आएगा ना? आऊंगा ना भाई, पक्का आएगा ना। अरे 100% आऊंगा भाई। खुश तो बहुत होगी मां, कैसा लग रहा हूँ हजारी पुलिस के भेष में। ये ले काला टीका लगा ले, खुद की नजर से मर जाएगा। माय फादर कर्नल जनरल इन आर्मी, बता कहाँ कहाँ चोरी की है तूने? अमेरिका में बम गिराया था, बस फोन करके पूछ लो। अरे तुम लोग यहाँ छोट पुलिस खेल रहे हो, वहाँ मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाल रहा है? तुम लोग संभालो ये साला गांव की गुड़ की दुकान। क्या कौन है? हेलो कौन है आप? मैं अपने शहजादे से मिलने आई हूँ। क्या तुझे बकरी लग रहा है क्या शहजादा? क्या मैं आपका मतलब समझी नहीं? इशारों को अगर समझो। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आज ही हमने बदली है लुंगी, आज ही हम नहाए हुए हैं। आबरू को बचाने की खातिर अपना खून भी बहाए हुए हैं। पकड़ कलाए तो न छोड़ेंगे जी हम, न छोड़ेंगे जी हम। हुए बेहुनर कमिश्नर कैसे कैसे, ये जमीन खा गई हवलदार कैसे कैसे। क्या बात है? गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा? छोड़ दे, सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए। बस यही अपराध मैं 10 बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं भी बस यही अपराध मैं हर बार कहीं के तुम्हारी ऐसी की। हम्म
पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? अरे वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही, आटो आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए, मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? तुम्हें विदेश में आके भी देसी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ, समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। ए, बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। कब चाहिए? आज। आज? अभी अभी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बोलो। एक महीने के लिए। एक महीना? वही की वही, सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? अरे नहीं नहीं, दरअसल नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ, उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए? हाँ, डालो, 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 यार, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा लगा। सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात। अच्छा सुनो, ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, कोई पूछे तो मत बता। नहीं लोग पूछे। अरे तुम चिंता ही मत करो, पूछेंगे। अरे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ, ऑल द बेस्ट। बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। उसके पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले। ढाल ढाल। और एक मिनट, मस्त है जल। ए, ए, कौन है? क्या करता है? क्या करता है? क्या करने दे? और 17? क्या बात कर रहा है 17 गन? और ये 3 20? लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। आइडिया, 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है? लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? आपने 15 बोली, मैं 17 लाया। अबे ये 3 बंदूक किधर है? अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल मार्केट में सलोर होती कीमत है, किधर है? अबे बोल किधर है? तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ। एक और एक 11, टीचर का नहीं सुनने का पागल है। बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा, खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, 6 की 6 गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए ट्रिपल जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची?
अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? अबे मुरारी भाभी जी कमाल का माल है, साड़ी कहाँ सुखाती होंगी? फ्रिज में। क्या लंगूर की तरह लटके हो, घर बाहर पर बड़ा है। हाँ बड़ा है, तुम लोगों ने अपनी फीस नहीं बताई। अरे कमिश्नर साहब ने भी तो कहाँ अपनी सैलरी बताई। अरे कमिश्नर साहब की सैलरी से आपकी फीस का क्या लेना देना, चलो काम शुरू करो। चलो चलो। अरे यहाँ काम नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? अरे लाल बाबा का प्रकोप है। क्या बात, क्या बात कर रहे हो? अरे भूल गए लाल बाबा को, क्या बात कर रहे हो? सर जी यहाँ लाल बाबा का प्रकोप है, यहाँ हम जीवन भर पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे, पूरा घर खोद करके कब्रिस्तान बना देंगे, फिर भी जीव जंतु बैठ के यहाँ आपके साथ संतरा और अंगूर खाएंगे। क्या मतलब? मतलब काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैंने कुकी जी से प्रॉमिस किया है। आपको अपने प्रॉमिस की पड़ी है? वहाँ लाल बाबा चौराहे पे बैठ के हाथ जो दिखा रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे ये लाल बाबा है कौन? ये है। तुम बैठ के हाँ मैं हाँ क्या बोल रही हो, कुछ बताओगी लाल बाबा के बारे में? लाल बाबा कुल देवता है जीव जंतुओं के, उनका प्रकोप है इस घर में। लाल बाबा को शांत किए बिना जीव जंतुओं को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के लिए दाऊद को ढूंढना। लाल बाबा शांत कैसे होंगे ये तुम बताओ। अरे हमको क्यों डांट रही, कोई मेरा घर है, इनसे कहो इमली के 8 बीज लेकर के 11 अलग अलग कुओं में डालें और पलट के ना देखें। अब ये 11 कुएं मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाएं 11-12 कुएं? सर उसका भी तोड़ है, एक अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया सर। ठीक है, कुकी जी के लिए मैं काले कुत्ते के पैर भी छू लूंगा। जी तुम लोग ऐश करो, संतरे लपेटो। जी जी हम सब लपेट रहे हैं सर, चिंता मत।